टुडे वी विल टॉक अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मैं आपकी होस्ट नोनी जैन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है बहुत वाइडर टर्म नहीं है, मतलब वाइडर टर्म है लेकिन अभी प्रचलन में नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे लोगों की नज़र में आ रहा है और सुनने में आ रहा है। जैसे जैसे बीमारियों का दौर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऐसी नई नई चीज़ें जो हैं, ये मेडिकल प्रोसीजर जो है सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लोगों के दिमाग में मिथ होती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक सर्जरी होता है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, ऐसे ही कुछ किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उसमें बॉडी को काट पीट कर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सर्जरीज की जाती हैं। लेकिन बोन मैरो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें एक बॉडी के हेल्दी सेल्स को लेकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बोन मैरो जो होता है ये हिप बोन में से लिया जाता है एक हेल्दी पर्सन के, जो डोनर होता है बोन मैरो डोनर अगर आपको मिलता है, यानी जैसे कि आपको पता है आजकल ब्लड डोनेशन होती है, एक इंसान का खून दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे ही स्पर्म डोनेशन का भी डोनर्स मिलते हैं, इसी तरह से बोन मैरो के भी डोनर्स होते हैं जिनके हिप बोन में से इंजेक्शंस के थ्रू कुछ सेल्स निकाल लिए जाते हैं, और वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है या जिसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी बॉडी में, उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा प्रोसीजर की है, किस एज में किया जाता है। किसी भी एज में एक हेल्दी पर्सन अपना बोन मैरो जो है डोनेट कर सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसीलिए भी नेसेसरी बन जाता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी के स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, वो अपने लेवल पर काम नहीं कर रहे होते, मैंने आपको बता दिया। तो हेल्दी स्टेम सेल्स को यानी हेल्दी डोनर में से उठाकर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब हो सकता है कि पेशेंट के बॉडी के स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर जल्दी जल्दी स्पीड में काम कर रहे हैं, तो इससे पेशेंट को कैंसर हो जाता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, या उसके स्टेम सेल्स बहुत कम लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बहुत मतलब जिस स्पीड से काम करना चाहिए उससे नहीं कर रहे होते हैं, बहुत उससे लोअर लेवल पे, तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड से कंसर्न डिसीज हो जाती है, ये भी या तो उसके रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएंगे या वाइट ब्लड सेल्स नहीं मेंटेन हो पाएंगे, प्लेटलेट्स में दिक्कत आ जाएगी। और जब ऐसी कमियाँ होती हैं ये बड़े लेवल पर होती हैं, तो बार बार उसका ब्लड जो है उसका रूटीन में चेंज करना पड़ता है और उसकी बॉडी को अदर डिसीज से बचाने के लिए, वरना उसकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। उसका अपना बोन मैरो जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उसका अपना बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जैसा काम करना चाहिए या जिस लेवल पर करना चाहिए, जिस स्पीड से करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा होता, इसलिए दूसरे पर्सन के लिए डोनर की बॉडी में से उसका बोन मैरो निकाल डिसीज की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइस अब आप समझ ही गए होंगे कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बॉडी को ऑप्टिमाइज्ड और मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेम सेल्स का बहुत ज़्यादा काम करना भी नुकसानदायक है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, और स्टेम सेल्स बहुत कम काम करते हैं तब भी ब्लड की कमी हो जाती है। कहा जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि लगभग 10,000 बच्चे जो हैं हर साल थैलेसीमिया से पैदा होते हैं जिन्हें हर 6 महीने पर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचने के लिए ही जो सबसे अच्छा साधन है आज के टाइम में वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का है। एक हेल्दी डोनर की बॉडी में से उसके हिप के बोन में से बोन मैरो जो है इंजेक्शंस के थ्रू निकालकर इन्फेक्टेड पर्सन जो है इन्फेक्टेड चाइल्ड जो है उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक पर्सन के ब्लड को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए ब्लड मैच होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो मैच होना ज़रूरी है वो ब्लड ग्रुप मैच बिल्कुल नहीं होता, वो HLA मैच होता है। HLA मींस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी ऐसा ही होता है जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है, पूरे लाइफ टाइम में एक पर्सन का ब्लड जो है वो चेंज नहीं होता, उसका ग्रुप जो जैसा मेंटेन है, अगर O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव ही रहेगा, A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह से दोस्तों HLA जो होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होता है, वो भी हर पर्सन का अपना अपना होता है अपनी लाइफ में, वो भी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होता है। तो इसलिए HLA मैच होता है तब ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, यानी डोनर का अगर रिक्वायर्ड पर्सन से मैच हो जाता है तभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है किया जाता है, तभी वो सक्सेसफुल माना जाता है। ऐसा और भी कहा जाता है कि अगर सिबलिंग्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, उसमें कोई लंबे प्रोसीजर्स भी नहीं होते हैं। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में 5% जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, और 5% जो कहते हैं ये अनसक्सेसफुल भी हो जाता है।
5% तो कहते हैं इसके टाइम प्रोसीजर जब फॉलो किया जाता है उसके टाइम पर ही ये कभी कभी हो जाता है। 5% चांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ये अनसक्सेसफुल इस तरह से सर्जरी के टाइम पर हो जाता है, लेकिन 5% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डोनर का बोन मैरो जो है ट्रांसफ़र के बाद भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता उस बॉडी में। अदरवाइज ये नॉर्मली सक्सेसफुल होता है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं होता है, इसके अंदर लाइफ को कोई खतरा नहीं होता, ना डोनर की ना जिस पर्सन ने लिया है इन्फेक्टेड जो है उसके लाइफ के ठीक होने के। कहते हैं एक बेटर लाइफ पाने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिसीजेज से बचने के लिए टाइमली ब्लड जो है उसकी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए और डिजास्ट्रस डिसीजेज बताए मैंने उनसे बचने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा प्रोसीजर है, इसे फॉलो किया जा सकता है। गाइस बोन मैरो जिसको मदर सेल भी कहा जाता है या सीड भी कहा जाता है, तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है ये सिर्फ कैंसरस डिसीज को नहीं जबकि नॉन कैंसरस एंड कैंसरस सभी तरह की बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में लगभग कहते हैं 70 बड़ी बीमारियां, 70 क्रॉनिक डिसीजेज जो हैं जिनसे बचने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी से अप्लाई किया जाता है जिसमें डोनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और लेने वाले पर्सन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखेंगे कि डोनर के हिप बोन में से जब ये बोन मैरो निकाला जाता है तो कहते हैं उसको निकालने के कुछ 2-4 दिन तक माइनर पेन सा फील होता है, हल्की सी वीकनेस, इसको कोई बड़े लेवल पर कहते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हैं या कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ती हैं जिससे कि एक डोनर को प्रॉब्लम हो बोन मैरो डोनेट करने में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर के बारे में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जिस पेशेंट को दिया जाता है मतलब देना होता है उसको पहले 10-15 दिन मेडिकेशन में रखा जाता है, उसे एक स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह ना आ सके, तो इसलिए उसको ऐसे एनवायरनमेंट में मतलब एक स्पेशल रूम वगैरह में उसे रखते हैं अंडर मेडिकेशन, ध्यान रखते हैं डॉक्टर्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से 500 दिन की दवाई भी चलती है मतलब उससे पहले, तो डॉक्टर मतलब पेशेंट को तैयार करते हैं बोन मैरो को एक्सेप्ट करने के लिए या स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि एक डोनर के ब्लड में से भी लिया जा सकता है स्टेम सेल्स या उसके बोन मैरो में से भी लिया जाता है, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में ब्लड वगैरह प्रॉपर मेंटेन हो सके, ब्लड सेल्स जो है ऑप्टिमम अमाउंट में बन सके। तो इसलिए 5-7 दिन उसको दवाई भी दी जाती है मेडिकल, वो कैसे मेडिसिन जो है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाली जाती है, उसके बाद लगभग उसे 48 घंटे के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, छोड़ा जाता है उसे, मतलब ध्यान रखा जाता है, मेडिकेशन में ही रखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो डोनर का स्टेम सेल लिया था वो इंजेक्शन के थ्रू लगभग आधे घंटे का एक प्रोसीजर होता है इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर बॉडी में उसके डाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं स्टेम सेल इन्फ्यूजन, और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसे डे जीरो भी बोला जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्टेम सेल इन्फ्यूजन बोला जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, लगभग 7-8 दिन तक उस पेशेंट को अंडर मेडिकेशन फिर से रखते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन उसको बाद में भी देनी पड़ती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि पेशेंट की बॉडी जो है बीमारियों से बच सके। जैसे कि जब भी शुरू में ही अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन या फीवर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसको वॉमिटिंग्स वगैरह होने लगती है, ऐसा बॉडी उसकी रेजिस्ट नहीं कर पाती हर चीज़ को, तो इन सब से बचने के लिए उसको मेडिकेशन में रखा जाता है थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद यार उसके नॉर्मल फंक्शनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। फिर 7-8 दिन की स्पेशल मेडिकेशन के बाद लगभग 2-3 हफ्ते जो है उसके अंदर ही पेशेंट नॉर्मली रिकवर हो जाता है, आप देखेंगे वो सारे काम अपने करने लग जाता है। डॉक्टर्स मेडिकेशन में इसलिए रख रहे हैं उसको स्टार्टिंग में ताकि पता चले कि उसका बोन मैरो जो है प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है उसने या नहीं किया है, और इस दौरान भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बिठाए रखते हैं सारा टाइम, उसको पेशेंट हिलता है, चलता फिरता है, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है, अदर जो भी काम वो करना चाहता है कर सकता है, जैसे हो सकता है कि कुछ बुक रीड करनी है उसको या कुछ सीरियल्स वगैरह में उसका इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, अपना कुछ स्टडी करनी है, उससे रिगार्डिंग सब काम वो नॉर्मली करेगा, लेकिन बस डॉक्टर्स इसलिए ध्यान रखते हैं कि क्या पता अभी वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, ये प्रोसीजर जो है इसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है, और किसी की बॉडी का कुछ स्पेशल ऑर्गन अगर दूसरे में मतलब एक तरह से स्टेम सेल ट्रांसफ़र किया गया है तो वो कितनी जल्दी काम करना शुरू करता है, पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर करता है, इन चीज़ों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट का होना ज़रूरी होता है। गाइस
यू ऑल विल बी ग्लैड टू नो सलमान खान जो है वो इंडिया के सबसे पहले बोन मैरो डोनर थे, डोनर बने, मतलब 15 नवंबर 2010 को सलमान खान ने अपना बोन मैरो डोनेट किया था, वो भी एक पूजा नाम की बच्ची को। एक्चुअली सलमान खान ने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बच्ची जो है वो अर्जेंटली बोन मैरो उसको रिक्वायरमेंट है इसकी, तो उन्होंने खुद को और अपने टीममेट्स को, अपने फुटबॉल टीममेट्स को तैयार किया कि हमारी पूरी टीम जो है बोन मैरो डोनेट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड मोमेंट पर उनके सारे मेट्स जो है उन्होंने डिनाई कर दिया, तो सलमान खान और उनके ब्रदर ने अपना बोन मैरो बच्ची को डोनेट किया। गाइज ये बहुत अच्छा काम है। इसी तरह से यार अभी रिसेंटली जो है 2019 की बात कर रही हूँ मैं, तमिलनाडु की एक लेडी जो है भारत की पहली फीमेल डोनर बनी है जिन्होंने अपना बोन मैरो 3 महीने के बच्चे को डोनेट किया है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली दिल्ली का एक 3 महीने का बच्चा जो है जिसको मेजर थैलेसीमिया की डिसीज हो गई थी, थैलेसीमिया आपको बताया है बोन मैरो की वजह से सबसे ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज जो थैलेसीमिया हो जाती है जिसमें खून वगैरह नहीं बनता है शरीर में, बार बार ब्लड बच्चे को देने की ज़रूरत पड़ती है। कोयम्बटूर के पास मुधाली पलायन गांव की रहने वाली 26 इयर्स की मसीला मणि जो है उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को बोन मैरो मैं दूंगी, और डॉक्टर्स ने फिर इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जनवरी में किया। यार ये सक्सेसफुल भी हुआ, हालांकि मसीला मणि के ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर था क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं यार बॉडी से बोन मैरो आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन अपने प्रेजेंट को सोचने की वजह से लोग जो हैं ऐसे अच्छे काम करने में बहुत देरी कर देते हैं या ना के बराबर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन यार किसी जिंदगी को बचाने के लिए अगर ऐसा सुनहरा अवसर मिले तो मुझे लगता है हम लोगों को उस अवसर को कैच कर लेना चाहिए। जैसे कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हम मरने के बाद सोच सकते हैं डोनेट करने का, कुछ लोग पहले से ही डिटर्मिंड होते हैं और वो कुछ कमिटमेंट भी कर लेते हैं लाइफ में कि हम ऐसी चीजें डोनेट करेंगे, कुछ लोग आईज डोनेट करने का सोचते हैं। ऐसे आपने ऐश्वर्या रॉय बच्चन के बारे में भी सुना होगा जिन्होंने आफ्टर डेथ अपनी आईज को डोनेट करने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं तो वो चाहती हैं कि ये खूबसूरत आंखें किसी और के भी काम आ जाए। कुछ किडनीज का करते हैं, लिवर का करते हैं, हार्ट का करते हैं, ऐसे ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। इसी तरह से दोस्तों एक अच्छा कदम बढ़ाने की और हम सब अग्रसर होंगे तो ये लाइफ की अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छे इंसान बनकर आप पूरी जिंदगी अपने नाम कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप भी जल्दी से कुछ ना कुछ डोनेट करने का सोचिएगा, मन बनाइएगा, क्योंकि मरने के बाद ये जीवन, ये शरीर सिर्फ राख बन जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम खुद भी डिसाइड करेंगे, इस तरह से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।